का यूज क्या होता है, तभी आपको ऐसा जरूरत आ जाए कि आपने जो टेबल बनाई है उसके आप सारे के सारे रोज या सारे के सारे कॉलम के डेटा डिलीट करना चाहते हो, उस समय पे आपको ट्रंकेट कमांड का यूज सही रहेगा आपके लिए। उस टाइम आपके लिए ट्रंकेट कमांड एकदम सही रहेगा। ट्रंकेट कमांड में होता क्या है, ट्रंकेट कमांड में होता ये है कि टेबल की स्ट्रक्चर बची रह जाती है और टेबल के सारे डेटा जो है वो डिलीट हो जाते हैं। होता क्या है, ट्रंकेट कमांड डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल बट कीप्स द स्ट्रक्चर। ट्रंकेट कमांड करता क्या है, ट्रंकेट कमांड पूरा का पूरा डेटा जो है टेबल का वो डिलीट कर देता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर रखे रहता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो मेमोरी जो है रिलीज कर देता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जितनी भी मेमोरी टेबल के द्वारा ऑक्यूपाइड रहती है वो रिलीज हो जाती है। ट्रंकेट कमांड रिलीजेस मेमोरी एलोकेटेड फॉर टेबल। ओके, ये सिंटैक्स क्या है, इसके सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल और जो आपकी टेबल नेम है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। व्हेन ट्रंकेट कमांड इज एग्जीक्यूटेड ओरेकल गोज टू मेमोरी एंड रिलीजेस ऑल द ब्लॉक एलोकेटेड फॉर टेबल। सो वेन ब्लॉक्स आर रिलीज डेटा इज ऑल्सो रिलीज। तो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता ये है कि जब भी हम ट्रंकेट कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ओरेकल मेमोरी में जाता है। मेमोरी में जाने के बाद वो उन सारे ब्लॉक्स को रिलीज कर देता है जो टेबल की डेटा होल्ड किए हुए रहते हैं। तो होता ये है कि जैसे ही ब्लॉक रिलीज होती है तो डेटा भी रिलीज हो जाती है, हमारे टेबल का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाती है। तो लेट्स सी इट्स प्रैक्टिकली, हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल हैं। हमारे पास दो टेबल हैं रिसाइकल बिन में, ए एंड डबल ए। चलो रिसाइकल बिन को छोड़ो, एक नई टेबल देखते हैं, बनाते हैं। क्रिएट टेबल सैंपल 11 नंबर सीरियल नंबर टाइप इज नंबर साइज इज 10 सेकेंड कॉलम नेम वेर कैट 2 साइज इसकी मैंने 20 दी। थर्ड कॉलम एड्रेस वेर कैट टाइप एंड एड्रेस की साइज 20। क्रिएट क्रिएट टेबल टेबल नेम यू हैड प्रोवाइडेड स्पेस हियर इनवैलिड आइडेंटिफायर ऐड जो है कीवर्ड है हेंस वो टेबल क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि किसी कीवर्ड के यूज से टेबल बनाने की कोशिश ना करें। तो हमने एक टेबल बनाया जिसमें तीन कॉलम है सीरियल नंबर नेम एंड एज ऐड दैट इज स्टूडेंट एड्रेस। नाउ हम इसमें टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट इनटू सैंपल 11 वैल्यूज मैंने इंसर्ट करवाया 1 आफ्टर दैट नेम कोई भी नेम रमन एंड एड्रेस एक रो इंसर्ट हो गई। मैंने दूसरा रो इंसर्ट करवाया एंड चलो मैंने तीसरा रो इंसर्ट करवाया, तीन रो इंसर्ट हो चुकी है। आप इस टेबल को देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैंपल 11
आप देखो कि इस टेबल में तीन रो एग्जिस्ट कर रही है, फीचर नंबर 1 2 3, नेम रमन नेहा स्नेहा, इस एड्रेस सोनीपत पानीपत गुरुग्राम। आप देखो अगर हम ट्रंकेट कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ट्रंकेट टेबल सैंपल 11 एग्जीक्यूट हो गई, इसके बाद अगर आप सेलेक्ट कमांड यूज करते हो, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सैंपल 11, तो आप फाइंड करोगे कि कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो होता यही है दोस्तों, और अगर आप DEST सैंपल 11 रन करवाओगे, डिस्क्राइब कमांड रन करवाओगे, डिस्क्राइब कमांड होता क्या है आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हो। तो अगर आप DEST कमांड एग्जीक्यूट करवाते हो तो आप देख सकते हो कि आपकी जो टेबल है उसकी स्ट्रक्चर बची है, लेकिन उसके डाटा नहीं है, उसका डाटा नहीं है। तो इस तरीके से हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।